अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल। सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5, इन द प्रीवियस 8 लेक्चर्स वी हैव स्टडीड लेसन नंबर 1 एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 2 व्हिच इज द स्ट्रेंज कैटल। सो बिफोर स्टार्ट ऑफ आवर लेक्चर आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज कैटल। सो डियर स्टूडेंट, स्ट्रेंज मीन अनोखी, इसका मतलब ये भी होता है अजीब। एंड कैटल मीन होता है टी पॉट, इसको कैथली भी बोलते हैं। टी पॉट होता है ऐसा बर्तन जिसके अंदर हम पानी को या चाय को गर्म करने के लिए रखते हैं, इसको कैटल बोलते हैं, टी पॉट। तो इसका मीनिंग क्या होगा, फुल मीनिंग स्ट्रेंज कैटल, एक अनोखी कैटली। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू आर टूडेज लेक्चर। तो ये एक लेसन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी है एक वुड कटर के बारे में। किसके बारे में? वुड कटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वुड कटर है ये रहता है एक जंगल के अंदर। एक दिन क्या हुआ, ये वुड कटर अपना काम मुकम्मल करके जब घर आने लगा तो इसने देखा देयर इज अ शाइनी थिंग बीनीथ द ट्री। कि क्या था, एक शाइनी चमकती हुई चीज देखी। कहां पे देखी? बीनीथ द ट्री, एक बहुत बड़ा दरख्त था उसके नीचे। सो जब ये इसके करीब गया, इस चीज के करीब गया, तो क्या देखता है कि ये एक ब्रास कैटल है। ब्रास मीन पीतल की देगची है। अब जो स्टूडेंट्स, ये डर गया कि इतनी पुरानी देगची थी और वो इतनी चमक रही थी, तो अब इसने क्या किया, इसने सोचा कि अब मैं इसको टेस्ट करता हूं कि क्या ये मेरे लिए वैल्यूएबल है। जब इसने उसको ओपन किया, देखता है कि दैट्स अ वंडरफुल कैटल, ये तो बड़ी जबरदस्त जो केतली है। फिर इसने सोचा इट वुड बी एन आइडियल फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी होगी और मेरी वाइफ के लिए बहुत ये कारामद होगी। क्यों? ये हम सर्दियों के अंदर गर्म पानी या चाय को अंदर इसके अंदर स्टोर कर सकेंगे। अब क्या था कि इसने अपना जो कुल्हाड़ा था इसके साथ बांध दिया, टाइट किया और इस केतली को घसीटते हुए ले गया अपने कॉटेज के अंदर, अपनी झोंपड़ी के अंदर ले गया। डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, अब ये एक बहुत बड़ी केतली है, केतली है। अब क्या होगा, क्या ये केतली इसके लिए वैल्यूएबल होगी या इसके लिए ये एक खौफनाक साबित होगी? क्या ये स्ट्रेंज जो केतली है ये इसके लिए वैल्यूएबल होगी इन द फ्यूचर? सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर की रीडिंग की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द फर्स्ट पैसेज। द स्ट्रेंज मीन अनोखी, कैटल मीन कैटली। द स्ट्रेंज कैटल, एक अनोखी कैटली। सो डियर स्टूडेंट्स, वन आफ्टरनून, एक दोपहर में, अ वुड कटर वॉज रिटर्निंग होम, वापस आ रहा था थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते। ही वॉज टायर्ड मीन थका हुआ। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, बट प्राउड, उसे ये फखर था। किस बात पे फखर था? दैट ही हैड कंप्लीटेड अ फुल डेज वर्क। ही हैड कंप्लीटेड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा टेंस होगा कि जहां पे हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, हम ये पढ़ चुके हैं। गुड स्टूडेंट्स, ये पास्ट परफेक्ट होगा। ही हैड कंप्लीटेड, मुकम्मल कर चुका था अ फुल डेज वर्क, अपना पूरे दिन का काम।
वो थका हुआ था लेकिन उसे फख्र था कि वो अपने पूरे दिन का काम मुकम्मल कर चुका था। ही सा समथिंग शाइनी, उसने शाइनी मीन चमकीली। ही सा समथिंग शाइनी बिहाइंड अ ट्री, बिहाइंड अ बिग ट्री स्टंप, स्टंप का मतलब होता है तना। उसने एक उसने बहुत बड़े दरख्त के पीछे एक चमकती हुई चीज देखी। इट वॉज अ ह्यूज, ह्यूज मीन बहुत बड़ी, ह्यूज मीन बहुत बड़ी। ओल्ड ब्रैस कैटल, ब्रैस कैटल हम पढ़ चुके हैं क्या था, पीतल की कैतली। इट वॉज अ ह्यूज ओल्ड ब्रैस कैटल, ये पीतल की बनी हुई बहुत बड़ी कैतली थी। द बिगेस्ट कैटल द वुड कटर हैड एवर सीन, ये इतनी बड़ी कैतली थी कि लकड़हारे ने इससे पहले इतनी बड़ी कैतली नहीं देखी थी। दिस वुड बी एन आइडियल कैटल फॉर माई वाइफ, ये मेरी बीवी के लिए एक बहुत आइडियल यानी मिसाली कैतली होगी। आइडियल मीन मिसाली, मिसाली कैतली होगी। ही थॉट, उसने सोचा। ये स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे विच इज द पेज नंबर 10 ऑफ आर लेसन नंबर 2। द वुड कटर पुट हिज एक्स इन द कैटल, लकड़हारे ने अपना एक्स मीन कुल्हाड़ा, इन द कैटल लकड़हारे ने अपना कुल्हाड़ा कैतली के अंदर रखा। देन तब ही टाइड वन एंड ऑफ हिज रोप थ्रू द कैटल, कैटल हैंडल्स, उसने अपने कैटल के हैंडल के साथ कुल्हाड़े को बांधा। एंड ब्रॉड द कैटल, ब्रॉड मतलब लाया द कैटल कैतली को टू द कॉटेज, झोंपड़ी के अंदर, कॉटेज मीन झोंपड़ी। सो डियर स्टूडेंट्स आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे जो अब हमने पढ़ा इसकी ट्रांसलेशन की जानब आएंगे। तो हम इसको मेंटेन करेंगे, यहाँ पे डे मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, होमवर्क को टिक करेंगे, तो लिखेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन करेंगे हम अपने लेसन नंबर 1 की। तो एक दोपहर एक लकड़हारा जंगल के रास्ते घर जा रहा था। वो थका हुआ था लेकिन उसे फख्र था कि इसने वो अपना पूरे दिन का काम मुकम्मल कर चुका था। इसने एक बड़े दरख्त के तने के पीछे चमकती हुई कोई चीज देखी। ये एक बहुत बड़ी पीतल की पुरानी केतली थी। इतनी बड़ी केतली लकड़हारे ने पहले नहीं देखी थी। इसने सोचा ये मेरी बीवी के लिए एक मिसाली केतली होगी। लकड़हारे ने अपना कुल्हाड़ा केतली के अंदर रखा। तब इसने अपनी रस्सी का एक सिरा केतली के हैंडल से बांधा और केतली को झोंपड़ी तक ले आया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी ट्रांसलेशन होगी। तो इस ट्रांसलेशन को आपने अपनी नोटबुक को मेंटेन करके वहां पे राइट करना है। नाउ वी मूव टू आर कम्प्रीहेंशन। सो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा, आपने इसकी ट्रांसलेशन भी कर ली, इसको रीड भी कर लिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप इसका आंसर करेंगे। हाउ डिड द वुड कटर फील व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम हिज वर्क। सो जब लकड़हारा वापस आ रहा था तो वो क्या फील कर रहा था, क्या महसूस कर रहा था। सो इसका आंसर आप लोग करेंगे, क्या फील कर रहा था। गुड, रियली गुड। ही वॉज टायर्ड बट प्राउड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज फुल डेज वर्क। वो थका हुआ था, वो थकावट फील कर रहा था लेकिन उसे ये भी महसूस कर रहा था, ये भी फख्र था कि उसने आज का काम मुकम्मल कर लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा एक और क्वेश्चन भी होगा, वे वॉज द कैटल लाइंग, कि वो कैटल देगजी थी कहां पे पड़ी थी, देगजी कहां पे थी। सो कहां पे थी, आपने रीड किया ट्रांसलेशन की, आप मुझे बताएंगे। गुड, द कैटल वॉज लाइंग बिहाइंड अ बिग ट्री स्टंप। जो देगजी थी वो एक बहुत से बहुत बड़े दरख्त के पीछे थी। तो यहां हम अपनी कंप्रीहेंशन करेंगे, इसको मेंटेन करें। यहां पे डे मेंशन करना है, डेट मेंशन करनी है,
यहां पे होमवर्क मेंशन करना है, यहां पे राइट करें कॉम्प्रिहेंशन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे क्वेश्चन राइट करें, क्वेश्चन नंबर 1। यू विल राइट द क्वेश्चन। मैं नहीं राइट कर रहा क्वेश्चन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, तो मैं सिर्फ आंसर राइट कर रहा हूं, आंसर। तो पहले का आंसर क्या था, वुड कटर क्या फील कर रहा था, ही वॉज टायर्ड बट प्राउड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज फुल डेज वर्क। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की जानिब जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के वो कुल्हाड़ा कहाँ पे पड़ा था, आपने क्वेश्चन राइट करना है, मैं सिर्फ इसका आंसर राइट कर रहा हूं। तो कुल्हाड़ा कहाँ पे था, द कैट सॉरी वो देगची कहाँ पे थी, कैटल, द कैटल वॉज लाइंग बिहाइंड अ बिग ट्री, अपोस्ट्रोफी डालेंगे, बिग ट्रीज स्टम्प। कैटल जो देगची थी वॉज लाइंग पड़ी थी बिहाइंड, पीछे, अ बिग ट्री स्टम्प, एक बहुत से बड़े दरख्त के तने के पीछे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के आपने ये दो क्वेश्चन भी राइट करने हैं। नाउ वी विल मूव टूवर्ड आर टूडेज वोकैबुलरी वर्ड्स। आज के हम अपने वोकैबुलरी वर्ड्स की जानिब जाएंगे। सो आज के हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे, आपने इसी तरह डे, डेट, होमवर्क मेंशन करना है और यहां पे राइट करना है वोकैबुलरी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे हम यहां पे राइट करेंगे वर्ड्स, यहां पे राइट करेंगे मीनिंग्स, यहां पे राइट करेंगे सिनोनिम्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे स्ट्रेंज, टायर्ड, प्राउड, ह्यूज एंड शाइनी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन पढ़ रखी है, अब आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का क्या मीनिंग होगा, गुड, अनोखी या अजीब, अनोखी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, सोचकर बताएं, गुड, इसका मीनिंग होगा स्ट्रेंज, इसका मीनिंग होगा अननोन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टायर्ड, टायर्ड मीन थका हुआ, इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन कभी होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड। ओके प्राउड, प्राउड आपको अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चों पे प्राउड है, तो प्राउड का क्या मीनिंग होगा, फखर करना। ओके प्राउड का सिनोनिम क्या होगा, किसी स्टूडेंट को पता है, गुड, स्टूडेंट बता रहे हैं ग्रेटिफाइड, इसका सिनोनिम होगा ग्रेटिफाइड। ओके ह्यूज, ह्यूज इसका मीनिंग क्या होगा, ह्यूज का, ह्यूज बहुत बड़ा। अच्छा ह्यूज का सिनोनिम क्या होगा, आपने बहुत इसको पढ़ते हैं, गुड, आपने इसको पढ़ रखा है, ह्यूज मीन जाइजेंटिक। ओके शाइनी, शाइनिंग का मीनिंग क्या होगा, पढ़ रखा है हमने, चमकीला, चमकदार, या चमकीले को हम या चमकदार बोलते हैं इसको। ओके इसका सिनोनिम क्या होगा जी, गुड स्टूडेंट्स, इसका सिनोनिम क्या होगा, गुड, मैंने बताया था लेसन के अंदर इसका सिनोनिम होगा ब्राइट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना लेसन नंबर सेकंड स्टार्ट किया, उसके हमने रीडिंग की, ट्रांसलेशन की, और उसके बाद उसकी वोकैबुलरी की, उसकी कॉम्प्रिहेंशन की, या अपने नोटबुक पे इस काम को करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।